हेलो दोस्तों, अनु की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल की खास रेसिपी किमामी सेवई, और ये सेवई बिल्कुल मैं अलग तरीके का बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किमामी सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसमें हम डालेंगे घी। कढ़ाई हमारा गर्म भी हो गया और घी भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मखाने, इसको थोड़ा सा सेक के निकाल लेंगे। तो मखाने को थोड़ी देर सेकने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिरौंजी। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम, किशमिश और सूखा नारियल जिसको हमने बारीक काट लिया है, और पिस्ता। घी में थोड़ी देर के लिए सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कलछी के लगभग घी डाल रही हूँ। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन थोड़ा सा घी का मात्रा रखना ही है क्योंकि इस सेवई में थोड़ा सा घी का मात्रा चाहिए। अब हम इस सेवई को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 150 ग्राम सेवई। सेवई को हमें कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। सेवई को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मतलब कलर बिल्कुल चेंज हो गया अच्छा। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 से 1.5 कलछी के लगभग घी। यहाँ पे मैं कुछ लौंग और छोटी इलायची डाल रही हूँ। आगे मुझे छोटी इलायची पाउडर भी डालना है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 ही इलायची रख रही हूँ। कोशिश करें कि लौंग जरूर डालें, इलायची तो डालना ही है लेकिन लौंग भी डालना है, इसी से इस सेवई का फ्लेवर अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध 1 लीटर के लगभग दूध डाला है। आप इस सेवई को चाहें तो पानी में भी, मतलब पानी का चाशनी बना के भी कर सकते हैं, पानी का, जैसे दूध की जगह आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूध का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे सेवई का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने लिया था सेवई 150 ग्राम और चीनी है 450 ग्राम, यानी सेवई का 3 गुना चीनी होना चाहिए। तो अब हम दूध के अंदर चीनी को भी डाल देंगे। हमें 1 तार का चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए चाशनी, वरना सेवई हमारा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस। तो ये देखिए दूध थोड़ा सा फट गया है और हमें यही प्रोसेस चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा दूध फटा फटा सा, इससे क्या होगा ना कि सेवई हमारा थोड़ा अच्छा बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से फूड कलर। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए हम इसमें डाल देंगे। चाशनी हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सेवई। तो लो फ्लेम पे हमें 5 से 6 मिनट के लिए सेवई को पका लेना है। तो सेवई को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है, हमने सेवई को बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया है। अगर चाशनी थोड़ी गाढ़ी होगी तो सेवई थोड़ा सा पकने में टाइम लेगा, और चाशनी थोड़ी सी पतली होगी तो सेवई थोड़ा सा जल्दी पक जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर हम ढक देंगे और 2 घंटे के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। चलिए 2 घंटे के बाद हम सेवई को एक बार चेक कर लेंगे। तो सेवई ने चाशनी भी सोख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मावा। यहाँ पे मावा हमने 200 ग्राम के लगभग लिया है, ये होममेड मावा है। अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े से उसे फ्राई पैन में उसे थोड़ा सा भून लें, उसके बाद उस सेवई में डालें। तो ये होममेड मावा है, मैंने इसे ऑलरेडी पहले से ही भून के रख लिया था। तो अब हम इस सेवई के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मावे को सेवई के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन नहीं किया है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। 2 घंटे बाद इसे ठंडा करके ही इसे इसमें मावा मिलाना है। गरम सेवई में मावा डालेंगे तो मावा हमारा मेल्ट हो जाएगा। तो किमामी सेवई हमारा बन के रेडी हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। तो ये लीजिए किमामी सेवई हमारा बन के तैयार है। आप इसे किसी भी ओकेज़न पे बनाएं, खाएं, खिलाएं।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।